हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। और हमने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मेरी नीज आई हुई है, तो हम लोग अभी बस घूमने के लिए एवरी वीकेंड इधर उधर जा रहे हैं। तो आज हम लोग आपको दिखाने वाले हैं नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम स्टीवन एफ उद्वर हेजी सेंटर, जो कि सेंट्रली वर्जीनिया में है। ऑलरेडी उधर पहुँच चुके हैं, हम लोगों ने अपनी गाड़ी भी पार्क कर दी है। वहाँ पे क्या है, एडमिशन फ़ी तो नहीं लगी थी, लेकिन पार्किंग पर कार $15 था। तो बस हम लोगों ने अपनी कार पार्क की, आगे था तो हम लोगों को पार्किंग लॉट से थोड़ा चल के जाना था, जो हम लोग बस अब पहुँचने ही वाले हैं। और आप लोगों को नाम से तो आइडिया लग ही गया होगा कि ये एयर एंड स्पेस म्यूजियम है, और म्यूजियम में जो भी चीज़ पुरानी होती है उनको ही रखा जाता है। तो यहाँ पर आप तरह तरह के प्लेन्स को देखेंगे, और यहाँ पे आपको स्पेस शटल डिस्कवरी भी देखने को मिलेगी। और एक्चुअली जब हम US में ही थे, तो हम लोगों के सामने ही इस शटल को रिटायर किया गया था। तो हम लोगों को अभी भी याद है कि हम लोगों के दुनिया में रहते थे, तो वहाँ पे ये शटल को पूरा स्टेट में उधर घुमाया गया था, क्योंकि उसको रिटायर करने वाले थे, उसको रखने वाले थे म्यूजियम में। सो इतना अच्छा मोमेंट था, वो हम लोगों ने भी देखा था। इट वॉज़ रियली रियली गुड। और हम लोग अब अंदर पहुँच चुके हैं, और हम लोगों ने टूर करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे हम लोग एंजॉय कर रहे थे, आप लोग भी हम लोगों के साथ एंजॉय कीजिए। और यहाँ पर टू हैंगर्स में प्लेन्स को हैंग किया गया था, और आप लोग खुद देखे कितना अच्छा लग रहा है। इतना बड़ा था और इतने सारे प्लेन्स रखे हुए थे, और ऑफ कोर्स डिस्कवरी शटल भी वहाँ पे मौजूद थी। कुछ प्लेन्स ऐसे भी थे जिनको कुछ दूसरे कंट्रीज़ ने US को डोनेट किए हुए थे, तो वो भी म्यूजियम में रखे हुए थे। और यहाँ के जो मेजर हाइलाइट्स थे, उसमें हम आपको बताते हैं, स्पेस शटल डिस्कवरी थी, इनायन सुपर फोर्ट्रेस, एनोला गे, कॉनकॉर्ड, लॉकहीड मार्टिन, SR-71, ब्लैकबर्ड, बोइंग स्ट्रेटो लाइनर, ये वहाँ के मेन हाइलाइट्स थे।
लोगों ने मोस्टली पूरा म्यूजियम कवर किया था, बट हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे पहुंचने में, क्योंकि म्यूजियम का बंद होने का टाइम 5:30 था और हम लोग 4 तक ही पहुंच पाए थे। हम लोग का ओनली 1.5 घंटे बचे हुए थे, तो उसी में हम लोगों को पूरा म्यूजियम भी देखना था। हम लोगों ने जितना रिकॉर्ड कर पाया वो सब हम आपको दिखा रहे हैं। और फिर हम लोगों का टाइम होने लगा था, हम लोगों ने आईमैक्स थिएटर की टिकट्स भी निकाल ली थी जहाँ, और फिर टाइम हो रहा था तो हम लोगों को जल्दी से जल्दी आईमैक्स थिएटर के उधर पहुंचना था। और हम लोग अभी एयरबस आईमैक्स थिएटर के उधर आ गए हैं, ऑलरेडी लाइन लग चुकी थी तो हम लोगों को अंदर पहुँचना था। लोग अंदर थिएटर में आ गए हैं, यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था तो हमने थोड़ी देर के बाद हमें अपना कैमरा बंद करना पड़ा। और इसमें मूवी में इन्होंने दिखाया था कि कैसे एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं यू स्पेस में और कैसे रहते हैं वहाँ पे, और वो जो शटल डिस्कवरी थी वो कैसे पहुँची है, क्या क्या हुआ वहाँ पे, वो सब उन्होंने दिखाया हुआ था। और उसके बाद जब मूवी ख़त्म हुई तो हम लोगों ने ऑब्जर्वेटरी टावर बनी हुई थी तो वहाँ पर ऊपर जाके हम लोगों ने पिक्चर वगैरह ली, अच्छा लग रहा था। और ये सिमुलेटिंग राइड्स जैसा था, इसमें आप बैठ के फील कर सकते हैं कि जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं शटल में बैठ के तो उनको कैसा फील होता है। इस तरह से हम लोगों ने वहाँ पे बहुत फ़न किया, लोगों ने जैसा फ़न किया होप आप लोग भी एंजॉय करेंगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू सून।